एक कंटेस्टेंट है एमसी स्टैंड, उसके फैंस वो किसी से भी झगड़े ना तो उसके फैंस बाहर आके बहुत गाली देते सोशल मीडिया पे। हाँ क्या? हाँ काफी ज्यादा गाली लिखते, हाल ही में भी बहुत सारी गाली लिखी थी जिसके उनके। हाँ तो सही है ना, वो पुणे का लड़का को ना मराठी बिग बॉस जीता है, शिव ठाकरे। हाँ शिव ठाकरे, वो उसको क्यों छेड़ता है? तो फिर अभी स्टैंड के जो स्टैंड है ना खड़े हो गए, स्टैंड के स्टैंड बस स्टैंड पे खड़ा है, स्टैंड के स्टैंड खड़े हो गए। पर आप जो टेटलो के अंदर जो बाल 50 साल से बाल नहीं धोए उसने, उसने बोला मैं कसम खा के मतलब बैठा है वो के यू ना मैं बाल नहीं दूंगा जब तक ट्रॉफी नहीं जीतूंगा। लेकिन स्टैंड तू टेंशन मत ले, तेरा स्टैंड लेने मैं आऊंगी अंदर और तेरा स्टैंड ऐसा खड़ा करूंगी अपने प्राइम में। लोग क्या बोलते हैं कि बिग बॉस में ना जिनका करियर खत्म हो जाता है वो पहुंचते हैं वहां पे, तो एमसी स्टैन ने वो प्रूव कर दिया भाई, वो अपने प्राइम में वहां चला गया बिग बॉस में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एमसी स्टैंड के फैंस काफी ज्यादा गाली गलौज ट्रोल वो सब करते हैं जब भी उनका किसी से झगड़ा होता है, आप कैसे देखते हो इस चीज को? सी मैंने मतलब बिग बॉस में एमसी स्टैंड गए हैं तभी मैंने उनको देखा है, उससे पहले मैं उनको फॉलो नहीं करती थी और मुझे उनके बारे में पता भी नहीं है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं पता है और मैं उनको नहीं जानती, सो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। अगर मैं उनको कभी पर्सनली मिली, कभी मेरे को उनका नेचर पता चला तो मैं ज़रूर बोलूँगी। यार इस साल का मैं देख रही हूँ, बिकॉज़ आई लाइक एमसी स्टैन अ लॉट, आई एम अ बिग फैन ऑफ एमसी। ओके, आई लाइक एमसी स्टैन यार एंड आई एम लविंग हिम ऑन द शो आल्सो, तो मैं एमसी स्टैन के कारण देखना चालू किया, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ एमसी स्टैन। आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड व्हेन दे अनाउंस दैट ही इज अटेंडिंग, यू नो, बिकॉज़ द म्यूजिक बहुत अमेजिंग है यार एमसी स्टैन्स म्यूजिक, इफ यू हियर हिज म्यूजिक मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज इट्स इंटरनेशनल एंड ही डज एवरीथिंग ऑन हिज ओन ना। एमसी स्टैन की एक फाइट हुई और उसके बाद एमसी स्टैन के जो फैंस थे सोशल मीडिया पे काफी गाली गलौज कर रहे हैं। मेरे को तो खैर मुझे फाइट के बारे में पता है नहीं कितना है कितना हुआ नहीं, मेरे को ऊपर ऊपर से थोड़ी चीज़ें पता है। फैंस लोग बहुत जल्दी ऑफेंड होते हैं और क्योंकि उतना ज़्यादा प्यार करते हो इंसान से, तो आई गेस इट्स ऑल वैलिड। ठीक है स्टैन तो एकदम साइलेंट है साइड पे, वो अलग ही है ना, अलग उसको साइलेंट कर भी रहे ना, उसको थोड़ा साइडलाइन भी कर रहे ऐसा भी फील हो रहा है, बट वो कोई नहीं, वो एक हफ्ता रहेगा ना, अभी कलर्स नहीं दिखाया उसे, अभी टाइम फिर उसको हाथ में एक बार तो मिलता ही है। और वही मैंने उसको यही बोला कि तू अंदर जाएगा ना तो बहुत बार तुझे ये फील होगा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे घर जाना है, तुझे ये फील होगा, वो फील होने मत देना, होगा होने देना, बट एक घंटे बाद सुधर जाना, तो ये मैंने उसको एक टिप दिया था, बाकी तो वो शेयर है। अगले सबसे शॉकिंग बिग बॉस कंटेस्टेंट एमसी स्टैन। एमसी स्टैन अगर आपको नहीं पता तो एमसी स्टैन एक रैपर है, बहुत ही बढ़िया रैपर है इनफैक्ट। एमसी स्टैन जो घर के बाहर 80,000 के जूते फ्लेक्स करते हैं, 80,000 के शूज है, 80,000 के, और दिन में 4 बड़े बाल वाले लड़कों को ताम आम गाम ममड़ा बोलने के बिजी शेड्यूल से थोड़े फ्री होकर बिग बॉस के घर में आए हैं, वो भी अभी 2 दिन रह के इधर से निकलने का बात कर रहे हैं, विच प्रूव्स के बाहर से जो इतना वियर्ड और डिफरेंट दिखता है उसका इम्पैक्ट उतना ही कम हो जाता है, चाहे उसको कितने भी छपरी लोगों के बीच डाल दो। एग्जाम्पल हिंदुस्तानी भाव, शर्म करो रे। एमसी स्टैन अपने गानों में मारने काटने की बात बहुत करता है, जितनी मारने काटने की बात होती है उससे ज्यादा नर्वस तो सलमान भाई का स्टेज पे लग रहा है, और ऐसे ऐसा नहीं कि स्टैन को वहां पर देख के सब लोग खुश हुए, नो, यूनिवर्सल हेटर्स भी होते हैं। ए आइला एलियन।